कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें भाजपा मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण करवाई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा में शामिल होने को लेकर इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विकास सोनी। विकास, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम है, भाजपा में शामिल होने से भाजपा को इससे कितनी बढ़त मिलेगी और भविष्य की राजनीति के क्या कुछ निहितार्थ होंगे? जी अतीक, लगातार 3-4 दिन से जयपुर से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में एक चर्चा और ये कयास लगातार चल रहे थे कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आखिरकार आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पर सीपी जोशी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। वागड़ का एक बहुत बड़ा चेहरा है महेंद्रजीत सिंह मालवीय। ये सबसे पहले जिला प्रमुख रह चुके हैं, उसके बाद वे विधायक रह चुके हैं, उसके बाद वे सांसद रह चुके हैं, उसके बाद वे मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में विधायक है। जैसा कि जैसा आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस सरकार की नीतियों से वो संतुष्ट नहीं है। कई सारे ऐसे निर्णय प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए जो उनको सही नहीं लगे, तो उन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और विकास, आपने प्रश्न पूछा और जानना कांग्रेस के लिए, अभी लोकसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं, अभी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या लगता है आपको कि आने वाले दौर में कुछ ऐसे ही कुछ बड़े नेता और भी लोग भाजपा का दामन थामेंगे? जी अतीक, बिल्कुल निश्चित तौर पे, जैसा चर्चाओं में और भी कुछ नाम है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की चर्चा चल रही थी, उन्होंने आज दामन थामा है। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि ये कांग्रेस के लिए क्या कुछ बड़ा झटका है, जी बिल्कुल, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, जो वागड़ का जो क्षेत्र है, उसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय बहुत बड़ा नाम है और लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने वाले हैं, तो भविष्य में और भी कुछ संभावना है, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनको लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा जैसा आपने प्रश्न पूछा कि कई बड़े नाम हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जो फिलहाल कांग्रेस में है, तो जी बिल्कुल, कुछ 8-10 दिन में आने वाला, जो 8-10 दिन में, उनमें भी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन से कांग्रेस के जो बड़े और वरिष्ठ नेता है वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है।